आज का धरना हमारा शहर हमारा हक इंसाफ की आवाज, ये कई मायने में तारीख रकम करेगा इस शहर में। आपने देखा होगा छावनी बन गया पूरा एरिया, ये सब्जेक्ट ही नहीं था जिस सब्जेक्ट की तरफ कुछ जातिवाद के लोगों ने उसको लेकर गया। हमारा सीधा सीधा डिमांड था कि इंसाफ नदी के उस पार और नदी के इस पार बराबर से होना चाहिए। मैं बड़ा हैरान हूं कि इस शहर में मौजूदा एमएलए और साबिक एमएलए, इनकी 25 साल जोड़ी ने इस शहर को बर्बाद कर दी। और 2004 में आउटर में जब मंत्री साहब आए, वो तो बस वो सोने पर सुहागा हो गया इस शहर की बर्बादी के लिए। आप कहीं ऐसा देखे हो क्या कि शिवाजी महाराज स्मारक का उद्घाटन हो जाए, भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर के स्मारक का उद्घाटन हो जाए, ब्रिज का उद्घाटन हो जाए और काम मुकम्मल ही नहीं है, चलने फिरने की दुश्वारी है? ऐसा कहीं काम होता है? कभी नहीं होता। हमने ये भी देखा इस शहर में कि शिवाजी महाराज का स्मारक उस वक्त के सदर बल्दिया सब्बीर सेठ, उस वक्त के वजीर रोजगार निहाल अहमद साहब, इनकी तख्ती लगी हुई है, इन्होंने कोई फर्क नहीं किया। और आज तो वो मालेगांव सेंट्रल में है शिवाजी महाराज का स्मारक, मालेगांव आउटर में नहीं है। और ये बनाने का क्रेडिट बनाने वाले निहाल साहब हैं, और ये आज हमको आकर सिखाते हैं शिव प्रेमी क्या, ये नकली शिव प्रेमी है, असली नहीं है। असली होते तो इस काम के भ्रष्टाचारी के खिलाफ बोलते कि 1.5 करोड़ में हो क्या रहा है, ब्रिज का काम कैसा हो रहा है। लेकिन बिला वजह बात को दूसरी तरफ ले जाना, ये बात बराबर नहीं थी। यहाँ मीडिया के नुमाइंदे मौजूद हैं, जिस वक्त हम सिविल हॉस्पिटल में गए वहां डॉक्टर चौहान मौजूद थे, उन्होंने साफ लफ्जों में बोला कि हमको नासिक सिविल सर्जन का तोंडी आदेश है कि जो गायनेकोलॉजी यूनिट और बच्चों का यूनिट, इसको जो है महिला रुग्णालय में शिफ्ट कर दिया जाए और स्टाफ को भी शिफ्ट कर दिया जाए। हमारी लड़ाई सिर्फ उस एक हॉस्पिटल की नहीं है, हमारी लड़ाई ही सही मायनों में शुरू ये हुई थी कि जो महिला रुग्णालय इस हिस्से में पास था उसे उस हिस्से में क्यों ले जाया गया। उसके बाद सितम ये कि जो यूनिट वहाँ चल रहा था वो भी उस हिस्से में जाने की बात आई। मगर आज अभी डॉक्टर एलएन चौहान वैदिक के अधिकारी, उन्होंने एक लेटर भेजा है जनरल सेक्रेटरी समाजवादी पार्टी और जिला शल्य चिकित्सा जिला रुग्णालय नासिक, उसमें मैं सिर्फ एक लाइन पढ़ूंगा कि तसे सामान्य रुग्णालय मालेगांव येथील गायनेकोलॉजी यूनिट स्त्री रोग विभाग च्या सेवा पूर्वी प्रमाणे, यानी जैसे पहले था, सुरळीत करण्यात आलेला आहे। ये तुम्हारे धरने की, तुम्हारे आंदोलन की ये जीत है, मगर ये शुरुआत है। हमारे साथ नाइंसाफी मुसलसल हो रही है, सारे सरकारी दफातर के साथ साथ हमारे फंड भी उस हिस्से में चले गए, हमारा शहर खंडर होता जा रहा है। और जो कभी तहरीक नहीं चलाए, जिनका काम ही भ्रष्टाचारी है, शेख आसिफ फैमिली चैंपियन चोर रही, ये हमारी पिच पे आ गए। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि ये कलाकारी तो निहाल साहब के वर्कर में है कि अपनी पिच पे सबको खिलाते हैं, मगर बैटिंग हमको ही आती करना। अरे नकली नोट लेके बैठे थे, नकली नोट, जब इनके वालिद के वक्त सटाना हॉस्पिटल कारपोरेशन का
सरकार को दिया गया, जब तो असली नोट लिए थे ना, रोकड़ा असली नोट देने की टाइम असली नोट। अरे तुम अगर वो दवाखाना नहीं देते तो आज ये नौबत ही नहीं आती। तुमने ठहराव करके दिया सडाना हॉस्पिटल का, ये तारीख अगर उनको नहीं मालूम है तो कारपोरेशन से ये तारीख मालूम करना चाहिए कि सडाना हॉस्पिटल इनके घराने ने दिया और आज हमको ये परेशानी है। मैं हमेशा बोला हूँ ये मिली जोड़ है, दावाड़ी का पानी अगर ठहराव करके आसिफ शेख के वालिद ने दिया, हम उस वक्त से एहतजाज करते रहे, मगर जब प्रशासक राज आया, जब एमएलए की जिम्मेदारी बढ़ गई, कलेक्टर के यहाँ दो तीन मीटिंग में बुलाया गया एग्रीमेंट के ताल्लुक से, एक मीटिंग में हाजिर नहीं हुए, लगाई इन्होंने और उसके बाद ये मंत्री के मुर्गे आज के मौजूदा एमएलए बने रहे। आज भी यही हाल है, बयान दे देते हैं अखबार में कि कुछ ऐसा नहीं होने वाला, मेरे पास वीडियो भी है ऑडियो भी है कि ये बात सच नहीं है क्या कि सिविल हॉस्पिटल जाने वाला था। अगर समाजवादियों ने आवाज नहीं उठाई होती तो ये बात नहीं होती कि सिविल हॉस्पिटल का यूनिट चला जाता। ये बात गलत है क्या कि हारून अंसारी हॉस्पिटल में जाकर उनके स्टाफ के साथ मीटिंग लेकर कमिश्नर जैसा आदमी, हेल्थ ऑफिसर आहिरे मैडम, मैं उनकी मुजम्मत करता हूं कि ये कैसे डॉक्टर हैं जो जाकर ये बोलते हैं कि यहाँ का पेशेंट वहां नहीं भेजना। मैं इंसानियत के नाते बोल रहा हूं कि ये शहर और हमारा दिल कोरोना के वक्त पूरी दुनिया ने देखा है। पहली लहर चली तो सारे ब्रिज बंद कर दिए गए कि मालेगांव वालों को इस तरफ आने मत दो, बड़ी बीमारी फैला रहे हैं। धूलिए से उस वक्त के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ऐलान कर दिया कि धूलिए मत आने दो, इनको फौज भेज दो मालेगांव में। अरे ये वही मालेगांव है जिसने दूसरी लहर में सिर्फ महाराष्ट्र नहीं गुजरात के लोगों का भी इलाज किया, यहाँ के डॉक्टरों ने इलाज किया, यहाँ के सोशल वर्करों ने, सभी सियासी पार्टियों के लोगों ने। मैं इसमें कोई सियासी पार्टियों की भी मुखालफत नहीं करूंगा, मालेगांव सेंट्रल की तमाम ही सियासी समाजी पार्टियों ने अपना दिल खोल दिया कि आओ और हमारे शहर में इलाज करो, और इन्होंने इलाज कराया। गुजरात से लोग आए, हमने पानी का इंतजाम किया, हमने इनके लिए खाने का इंतजाम किया। ये हमारा दिल है, ये हमारी इंसानियत है। और जब वक्त आया तो हमारे ही हॉस्पिटल को ले जाने वाले मंत्री साहब मीटिंग लेकर बोलते हैं कि नहीं आना चाहिए, और उसके बाद इस हद तक मुखालफत, ये इंसानियत है। सारा शहर जानता है कि मालेगांव शहर की सबसे खास बात अगर कुछ है तो वो ये है कि यहाँ का आदमी, यहाँ का हर इंसान बहुत सोशल है। बाप बेटे को नहीं पूछेगा, दूसरी जगह ये हो सकता है, भाई भाई को नहीं पूछेगा, मगर ये मालेगांव ऐसा है जो ना जात देखता है ना धर्म देखता है। अगर कोई को बीमारी है कुछ है, मुझे तो उस वक्त के एक बड़े पुलिस अधिकारी ने बोला कि जब मैं अपने गांव में गया तो मैं बड़ा हैरान था कोरोना के टाइम कि लोग अपने बाप को छोड़कर चले गए। लेकिन ये मालेगांव कैसा शहर है तुम्हारा कि जो मरीज को लेकर आदमी आ रहा है हॉस्पिटल, उससे अगर पूछो कि ये कौन है तो उसको ये भी नहीं पता है कि वो कौन है। ये सोशल काम है हमारे शहर का, इसीलिए अल्लाह की रहमत है हमारे शहर पे, इसीलिए अल्लाह की रहमत है। ये तो खंडर इन लोगों ने 25 साल में कर दिया, आजी और माजी आमदार की जोड़ी ने। नहीं तो जब डेवलपमेंट का तस्वीर चेंज हुआ, अगर हम होते तो डेवलपमेंट किधर से किधर होता, इधर से उधर होता। मगर मैं जो बोला कि हम निहाल साहब के वक्त भी इंसाफ उस हिस्से के साथ भी करते थे, हमारा ये मान बोलना ही नहीं है कि उस हिस्से में काम नहीं होना चाहिए। अरे बहुत काम करो, अच्छा काम करो, मगर हमारा हक, जो हमारा अधिकार है, उसको हमसे लो मत, उसको हमसे छीनो मत, हमको वो हक दो। और ये इंसाफ, हम हर हाल में आवाम के बीच जाएंगे। आने वाला इलेक्शन है, अगर कोई ये बोलता होगा कि ये इलेक्शन स्टैंड है तो क्यों नहीं होना चाहिए इलेक्शन स्टैंड? 5 साल में अगर तुमने अच्छा किया है तो वो बताओ, 25 साल में तुमने मिलकर कुछ अच्छा किया है तो वो बताओ।
एक बात तो साबित हो गई कि अगर मैं जो बोलता हूँ कि ये काम नहीं करते, यही दोनों लोग भी यही बात बोलते हैं कि शहर में मुफ्ती साहब काम नहीं करे, वो बोलते वो काम नहीं करने देते, इसी तरीके की बातचीत होती है। सच बात ये है कि काम इन्होंने किया ही नहीं, एक स्कूल नहीं बनाई मालेगांव सेंट्रल में, ये अलमिया है हमारा। और जो लोग यहाँ पर शिव प्रेमी के नाम से जातिवाद और लॉ एंड ऑर्डर खराब करने के लिए आए थे, मैं उनसे भी कहूंगा कि आप हमारा मकसद क्या है, हम बोल क्या रहे हैं, आप वो तो समझो। अरे आप अगर बोलेंगे तो मैं तो आपके साथ भी चल के फूल हार कर दूंगा, लेकिन तुम बिला वजह एक मामले को टर्न देने का काम मत करो। ये मामला सिर्फ एक इंसाफ का है और इंसाफ नदी के इस हिस्से के लोगों के लिए है, उसमें रमजानपुरा भी है, मालदा भी है, तमाम ही हिस्से है, दरे गांव भी है, मगर कुछ लोग जानबूझ के इस तरह की हरकत करते हैं कि मामले को टर्न दिया जाए, मगर वो नहीं जानते कि हम भी न्याल साहब के वर्कर हैं, हमको भी सारा कामकाज करना आता है, हम कभी किसी के पास जाकर या किसी को दमदाटी नहीं देते, मगर हमारा अव्वल दिन से एक नारा है कि हमसे जो टकराएगा हम उससे टकराएंगे। ये नारा निहाल साहब के वक्त से हमारे साथ है। कोई ये समझता होगा कि मैं जेल से डर जाऊंगा, कि छावनी बन जाएगा पूरा एरिया तो डर जाऊंगा, तो ये सवाल नहीं है। सवाल जब संविधान का है, लोकशाही का है, तो ऐसे वक्त में जो हमको अधिकार दिया गया है उस अधिकार का इस्तेमाल हम हर हाल में करेंगे। मैं आज यहाँ से ऐलान करता हूँ कि जो जो हमारे साथ नाइंसाफी हुई है उन सब नाइंसाफियों के साथ हम आज रात में बैठेंगे। हमारे यहाँ सरपरस्त भी अतर हुसैन अशरफी साहब हैं, रिजवान सर है, अब्दुल बाकी हैं, जाहिद मेंबर है, हम कुछ जिम्मेदार लोग रात में बैठेंगे और मालेगांव इंसाफ यात्रा का आज रात में ही बैठ के तय करके ऐलान इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि मालेगांव के साथ इंसाफ होना ही चाहिए। और ये मैं तो बहुत हैरान रहता हूँ कि जब कोई सियासी आदमी बोलता है कि वो सियासी तौर पर कर रहे थे, अरे सियासी तौर पर ही कर रहे हैं ना, और सियासी तौर पर क्यों नहीं करेंगे, सियासी तौर पर ही कर रहे हैं। तुम्हारी तुमने इस शहर के साथ क्या किया वो लोगों को बताएंगे, और ये बताना हमारा काम है कि तुम इस शहर के साथ क्या कर रहे हो और इस शहर के साथ क्या होना चाहिए था। मैं आज धरने में आए हुए तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। एक डर और खौफ का माहौल बना हुआ था, ऐसा लगता था कि वो होटल से नदी तक पूरा एक छावनी बनी हुई है। आम लोग बहुत से आकर चले गए, ये भी मुझे फोन भी किए, मगर मैंने भी उनको बोला कि जाओ, हम भी लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होने देना चाहते थे। मैं पुलिस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी हालात को समझा और जो कोऑपरेशन हमसे चाहा हमने दिया, जो वो चाहते थे हमने उनसे लिया, मगर जो होना चाहिए था वही हमने किया। अगर कोई बोलेगा कि शिवाजी महाराज स्मारक पर हम फूल हार नहीं कर सकते, तो ये तो मानने वाली बात नहीं है। तो जो नहीं मानने वाली बात थी हमने नहीं मानी, और हम हमेशा से नहीं मानते, ये कोई पहली बात नहीं है। मानने वाली बात 10 मानेंगे, मगर नहीं मानने वाली बात कोई जोर जबरदस्ती से, धौंस से और अपना दबाव बनाने की कोशिश करेगा तो इस शहर में दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। ये नारे के साथ जल्द ही मालेगांव में मालेगांव इंसाफ यात्रा निकालने का जिम्मेदारान ऐलान करेंगे। मैं आए हुए तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये निडर थे, बहादुर है जो यहाँ पर आए, और आप लोगों के लिए ये खुशखबरी की बात थी कि जो सिविल हॉस्पिटल का यूनिट यहाँ चल रहा है वो उसी तरह चलता रहेगा, ये उसका लेटर है। और जो लोग ये बोलते थे कि ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ है, वो मेरे पास आ जाए, मैं उनको वीडियो ऑडियो सब सुना दूंगा। ये आप लोगों की ताकत थी, ये आवाम की ताकत थी, ये अकेले कोई शान हिंद की नहीं ताकत थी, ये मेरी ताकत नहीं थी, ये कोई रिजवान सर के अकेले की ताकत नहीं थी, ये हम सबकी ताकत थी कि फैसला बदलना पड़ा और आज जो है वो यूनिट वापस शुरू हो गया, वहाँ ऑपरेशन शुरू होने वाला है। जो डॉक्टर का तबादला किया गया है
तो जो वैदिक के अधिकारी है उन्होंने कहा है कि हम दो दिन के अंदर डॉक्टर को भी हमारे सामान्य रूप लाने में वापस बुलवा लेंगे, मतलब वो यूनिट शुरू हो जाएगा। मैं मंत्री साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हारून, हमारे दो हॉस्पिटल का काम चल रहा है वाडिया और अली अकबर का, अगर हमारे यहाँ कोई सीरियस पेशेंट होता है तो वो सिविल में आता है तो वहाँ भी इलाज करने के लिए कोई दबाव ना बनाया जाए कि वो ना करे, और अगर वो महिला रुग्णालय में जाना चाहता है सीरियस पेशेंट तो उसको वहाँ भी आने देना चाहिए। ये इंसानियत का तकाजा है। मेडिकल फैसिलिटी के लिए कोई जात, कोई पात, कोई बिरादरी नहीं बीच में आना चाहिए। मेडिकल फैसिलिटी का हक हर इंसान का है, उसे मिलना चाहिए।